अभ्यास 42 गति 80 शब्द प्रति मिनट मानक आशुलिपि एवं तीव्र गति अभ्यास डिक्टेशन स्टार्ट। मान्यवर पटना में हुए अखिल भारतीय बुद्धिजीवी सम्मेलन के रास्ते में कई रुकावटें आईं, फिर भी उल्लेखनीय बात यह है कि वह सफल हुआ। इन्हें रुकावटों और बाधाओं के कारण सम्मेलन में उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। सम्मेलन की शुरुआत किए जाने के समय जो आश्वासन मिले थे वे सब भी पूरे नहीं हुए। सम्मेलन से पहले एक संकल्प प्रेषित किया गया था जिसे मानने वाले इस सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। इस संकल्प की मुख्य बातें थी साम्राज्यवाद के सभी रूपों का अंत होना चाहिए, विभिन्न धर्मों के अनुयायी नागरिकों में कोई फर्क ना हो, कानून सबके लिए समान हो, भारत पाक का नकली बंटवारा खत्म हो, हरिजन शूद्र आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यकों और औरतों को विशेष अवसर दिए जाएं, केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों के कामकाज और व्यापार से तथा शिक्षा के माध्यम और अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी तत्काल हटे। जब तक भारतीय भाषाएं हैं तब तक उसकी सीमाओं की रक्षा हो, तब तक उत्पादन आधुनिक नहीं होता, खपत की आधुनिकता बिल्कुल बंद हो, सभी निजी खर्चों पर 1500 रुपये मासिक की सीमा लगे, अन्याय के विरुद्ध लड़ने में सिविल नाफरमानी एक मूल्यवान हथियार है जिसका बढ़ता हुआ इस्तेमाल होना चाहिए। नर नारी के बीच पूर्ण समता की प्रतिष्ठा हो और शिक्षा जगत में विषमता का अंत हो और पूर्ण विचार स्वातंत्र्य के आधार पर शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन हो। पैरा सम्मेलन में पढ़े गए लेखों पर विचार विमर्श हुआ। इन विषयों पर सुझाव और विश्लेषण सामने आए। चर्चा में यह बात सामने आई कि पिछले दिनों दंगों का स्वरूप बदला है, वे आकस्मिक ना होकर नियोजित होने लगे हैं। यह भी कि जो इनके पीछे होते हैं उन पर सीधी चोटें होने से दंगे बंद हो जाते हैं और अब दंगे शिक्षित वर्ग को भी अपने में समेट लेते हैं। राजनीतिक स्थिति और आर्थिक नीति विषयक लेखों व चर्चा में यह बात सामने आई कि कुछ लोगों को लगातार इनका विश्लेषण करते रहना चाहिए। आर्थिक नीतियों का ज्यादा ठोस अध्ययन जरूरी है, समस्या का विश्लेषण ही नहीं उसका निराकरण भी सामने आना चाहिए। वस्तु स्थिति यह है कि अब तक ऐसे कई सम्मेलन हो चुके हैं जिनमें बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे जाते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों की मनोवृत्ति में स्थायी परिवर्तन नहीं होता। जब तक वे सम्मेलनों में रहते हैं
तब तक तो सोचते और महसूस करते हैं कि जो कुछ कहा गया है वह बिल्कुल सही है और इन बातों पर पूरी तरह से अमल होना चाहिए। लेकिन दूसरे ही क्षण जब वे सम्मेलन के पंडाल से बाहर आते हैं तब सब कुछ भूल जाते हैं। विराम।